Hello everyone, welcome to my YouTube channel Super Glam Style and I'm your friend Sneha. और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही important topic पे, वो है yellow teeth की. हम Indians में या हम बोलें तो पूरे world में सबको इस चीज़ की problem होती है. अगर हम 3% से मिलेंगे तो उनमें से 2% को ये problem जरूर से ही होगी. और इस topic को लेके बहुत सारे myth हैं और बहुत सारी reality है जिन्हें हम regular face करते हैं as usual. जैसे कि हम अगर किसी के येलो टीथ हैं हमारे या किसी और के, तो वो इंसान सोसाइटी से थोड़ा इग्नोर करता है. कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, वहाँ पे भी जाने में से प्रॉब्लम होती है. स्माइल करने में, बात करने में प्रॉब्लम होती है. तो आज हम आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं. वो भी टोटल आपको 3 मिनट में, आप अगर उस रेमेडी को यूज़ करते हो तो बस टोटल 3 मिनट आपको लगेंगे. और ये भी आपको हफ्ते में सिर्फ 2 से या 3 बार देना पड़ेगा. तो अगर हमें येलो टीथ को व्हाइट करना है तो इतना टाइम तो हम अपने टीथ के लिए दे ही सकते हैं. तो चलिए आज हम बात करते हैं इस रेमेडी में. पर लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो नए व्यूअर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेमेडी के लिए वो है बेकिंग सोडा. ये हम सभी के किचन में मिल जाएगा और आप सभी जानते हैं कि इसमें एक ब्लीचिंग एजेंट होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है. तो आप अपने आप फील कर सकते हैं कि हमारे टीथ को कैसे व्हाइट कर देगा. नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें चाहिए लेमन. हमें एक लेमन जूस चाहिए, इसमें हमें लेमन यूज़ करना है, लेमन जूस. तो आप प्लीज़, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप फ्रेश लेमन जूस ही यूज़ कीजिएगा. ये नहीं कि आप स्टोर किया हुआ लेमन जूस यूज़ करें क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है. तो वो आपके दांतों के एनामिल लेयर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या उनके लिए सेफ नहीं है. तो प्लीज़ आप लेमन जूस ही, जो फ्रेश लेमन जूस रहेगा वही यूज़ कीजिएगा. अब मैं आपको बता देती हूँ कि रेमेडी कैसे बनाएंगे. लेकिन उसके साथ अब मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपके दांत पीले क्यों होते हैं, जिससे आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और आपको अपने दांतों की अच्छे से केयर कर सके. ये देखिए मैंने पहले से एक लेमन कट कर रखा है और इसमें हमें एक अच्छा पेस्ट बनाना है. इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इसकी कंसिस्टेंसी डालिएगा. इसमें हम तब तक इस ड्रॉप को डालते रहेंगे जब तक इसकी पेस्ट जितनी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती है. तो मैंने अभी 2 से 3 ड्रॉप डाला है. आप जैसे लेमन जूस कभी भी बेकिंग सोडा में डालेंगे तो उसमें इस टाइप के थोड़े से आपको बबल्स दिखेंगे और ये बबल्स नेचुरली हैं. इसके लिए आपको डरने या फिक्र करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अभी इसमें और डालूंगी. आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें बबल स्टार्ट हो रहे हैं. अब देखिए मेरी कंसिस्टेंसी जो है पेस्ट की वो अच्छी सी हो गई है. अब इसी पेस्ट को मैं अपने ब्रश पे लेकर 2 से 3 मिनट तक आपको बस अप्लाई करके अच्छे से अपने ब्रशिंग करनी है दांतों की. बस इसको ध्यान से रखें कि कोई गांठ ना पड़ जाए और आप इसको हमेशा फ्रेश ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर है, मैंने आपको बता दिया. और लेमन में भी ब्लीचिंग एंटीऑक्सीडेंट गुड होते हैं जो आपकी टीथ को फ्रेश करेगा. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके स्किन को जैसे ब्लीच करता है वैसे आपके दांतों को भी ब्लीच करेगा. उससे जो पीलापन होता है आपके दांतों पे वो क्लीन हो जाएगा. इसके अलावा जो अदर प्रॉब्लम भी हो जाती है जैसे कि किसी को छाले निकलते हैं या दांतों से स्मेल आती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है. और रही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी कि दांतों में पीलापन क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं. जैसे कि हम हाइजीनिक हों, हम अपने दांतों की केयर अच्छे से ना कर रहे हों, उन्हें अच्छे से क्लीन ना करें. इसके अलावा इसको अगर हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या किसी भी हार्मफुल चीज़ों के एडिक्ट हैं, उन्हें च्यूइंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो उससे भी हमारे दांतों में पीलापन आ जाता है. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर. अगर हमारा वाटर क्लीन नहीं है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए आप क्लीन वाटर का यूज़ ज़रूर करें. और इसके अलावा एक मिथ है कि सभी के जो टीथ हैं वो बर्थ से ही वाइट होते हैं. बट ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है. पॉल्यूशन की वजह से और जो हमारा नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से किसी के बहुत कम ही लोग होते हैं, रियल लोग होते हैं जिनके दांत रियल में येल्लो होते हैं, चाहे वो यहाँ पे हों या हम फॉरनर्स हों. तो आपके अगर येल्लो टीथ है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. बस आप इस रेमेडी को 2 या 3 टाइम वीक में यूज़ कर लीजिए और देखिएगा आपका 1 से 2 मंथ अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं उनकी तो आपके दांत येल्लो होंगे ही नहीं. लेकिन अगर आप केयर नहीं करते हैं, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसके लिए आप इसको मंथ में 1 वीक में 2 से 3 टाइम यूज़ कर लें. उसके बाद ये 2 से 3 महीने तक आपके दांत पूरे फाइट रहेंगे. और अच्छा होगा कि आप अपने दांतों की केयर करें क्योंकि दांत जितने टाइम तक हमारे साथ रहेंगे हमारी लाइफ उतनी अच्छी रहेगी, हम उतना ही ज़्यादा स्माइल कर सकेंगे. सो कीप स्माइलिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच. और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन बटन है उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे अलग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए. एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.